नवाशिफा आ रहे हैं इस्तकबाल करने जा रहे हो? नहीं, बंदा एक बार तलाक हो जाते है, वो तीन बार तलाक हो गया, वापस इधर आ रहे। जेठ जाएगा, जेठ जाएगा। हाँ जी, नवाज शरीफ के ये शक्ल भी बिल्कुल जन्नत वाली नहीं है। अगर तो वो रिटर्न लिख के देंगे तो फिर तो चले जाएंगे। बात करने से पहले सोचना तो चाहिए कुछ। इस तरह की जन्नतें और हुरें जो है ना, वो अल्लाह ताला बचाए हमें। जन्नत नूली का नवा रास्ता खोले आया। हाँ जी, जाना है? नहीं नहीं, जन्नत नहीं जाना। कल को ये ऑफर भी दे सकते हैं कि भाई क्या कहते हैं, नवाज शरीफ के लिए आप आ जाएं तो आपको माशाल्लाह पर रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान गुलफाम खान और आप देख रहे हैं माइक वाली सरकार। नाज़रीन, नून लीग के एक साबिक एमएलए ने चौधरी असद साहब ने बोला है कि जो बंदा लाहौर में नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने जाएगा वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएगा। अब लोगों से पूछते हैं कि क्या वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाना चाहते हैं। आए जी, लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, नूली कह रही है कि जो बंदा नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगा जब वो 21 अक्टूबर को वापस आएगा तो वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएगा। जाना है आपने जन्नत में? सब जन्नत में जाना चाहते हैं, लेकिन नवाज शरीफ से मिलने के लिए कोई जन्नत में ही जा सकता है, ये तो नहीं हो सकता। नूली कह रही है कि वो जन्नत में जाएगा जो इस्तकबाल करेगा। यार ऐसे तो दुनिया बहुत सारी बातें करती है जो वो कर नहीं पाती, क्या हो गया आप? नहीं तो ये कैसी बात कर दी उन्होंने? उनके हिसाब से ठीक है और बाकी शरीयत के हिसाब से देखा जाए तो ठीक नहीं है। जाना आपने जन्नत में? मैंने जाना उसे बता रहे जन्नत में। आप अगर नहीं जाएंगे तो फिर आपको पता है अपने कहाँ जाना है? कहाँ जाना है वो आपको पता होगा, जन्नत के ऑपोजिट क्या? नहीं, मैं घर चला जाऊंगा, जन्नत में नहीं जाऊंगा। घर चले जाएंगे, जन्नत में नहीं जाएंगे। सर तुझे दसो, तुझे जाना नवाज शरीफ इस्तकबाल करन? बकवास कर दे, दफा करो ना। सर नून लीग कह रही है कि जो बंदा इमरान नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने आएगा लाहौर के अंदर वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। अच्छा, क्या कहते हैं इस बारे में? चले जाएंगे जन्नत अगर टिकट दे दे, टिकट दे। बकवास कर रहे हैं जी, ये फालतू बकवास, ये फालतू बकवास। तो क्या पैगाम देंगे कि उन्होंने किस तरह की जी बात कर दी? नहीं, ये गैर शरीयत वाली बात है, मसलन ऐसी बात नहीं करना चाहिए। उन पाकिस्तानी आवाम ऐसी है, इनको जो बात करे ये मान जाएगी। अच्छा, वो जाहिल समझते हैं आवाम को? जी। क्या पैगाम देंगे हम नून लीग को? नून लीग को तो हम ये पैगाम देंगे कि अल्लाह ताला पहले आपको हिदायत दे और ये शक्लें जन्नत वाली नहीं है। जो खुद नून लीग के जो है ना नवाज शरीफ के, ये शक्ल भी बिल्कुल जन्नत वाली नहीं है। अब बात ये थी ना, इन्होंने मोटरसाइकिल की ऑफर दी। अब मोटरसाइकिल से तो आवाम को जो है ना कुछ नहीं मिला मोटरसाइकिल, लेकिन अभी जन्नत की ऑफर दे रहे हैं। कल को ये ऑफर भी दे सकते हैं कि भाई क्या कहते हैं, नवाज शरीफ के लिए आप आ जाएं तो आपको माशाल्लाह पर रख सकते हैं, फरिश्ते बन सकते हो, आप उड़ोगे। और जो है ना, ये इन लोगों का जो है ना जाहिलत है, ख़ुद को पढ़े लिखे कहते हैं, ये पढ़े लिखे जाहिल हैं। तो सर जनरल बिल्कुल फ्री हो गई ना? हाँ, लेकिन इस्तकबाल में जाना पड़ेगा नवाज शरीफ के। हाँ जी, नवाज शरीफ के लिए इस्तकबाल करने जाना पड़ेगा तो वो जन्नत को रिटर्न लिख के देंगे? ये पता नहीं उन्होंने किस तरह ये दावा कर दिया, मेरे तो समझ से बाहर है। अगर तो वो रिटर्न लिख के देंगे तो फिर तो चले जाएंगे। आप इसी किसी खाम ख्याली में नहीं बैठेंगे, आपको जन्नत बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। कुछ करना पड़ेगा, जो नेक अमाल हैं, जो अल्लाह ताला ने अपना रास्ता बताया उस पर चलोगे तो जन्नत मिलेगी, नहीं तो दूसरी जगह भी अल्लाह ने बनाई हुई है। अल्लाह ताला उससे बचाए। बाकी ये सब जो है ना, ये सब ड्रामे हैं, जन्नत ये लोग दे सकते हैं जन्नत किसी को। जो बंदा नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने आएगा 21 अक्टूबर को यहाँ पे लाहौर में, उसको बगैर हिसाब किताब के जन्नत मिल जाएगी, क्या कहेंगे इस पे? जहालत ही कह सकता हूँ सर, और तो कुछ नहीं कह सकता। ये कोई पैगाम दे दे, पैगाम है अगर खुदा का नाम लें कम से कम, ठीक है, सियासत को एक साइड पे रखें, किस तरफ लेके जा रहे हैं। बात करने से पहले सोचना तो चाहिए कुछ कि हम बात क्या करें। ये किस लेवल पे होते हैं कि ये इन्होंने बात इतनी बड़ी बात कर सकते हैं? जहालत है तो पिछले 30-35 साल से ये लगे हुए हैं ना, अगर लोग जाहल ना होते तो मतलब कि ये मामला यहाँ तक पहुँचने नहीं थे। नहीं, वैसे इतना बड़ा बयान दिया उन्होंने, वो हैं ही, उनकी नेचर ही यही है। मतलब कि उनका क्या, वो इमरान खान कहते नहीं कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ये पढ़े लिखने की कोशिश भी नहीं करते। सही बयान दिया उसने, उसमें कोई गलत बात तो नहीं है। कम से कम इस तरह की बात तो नहीं करनी चाहिए ना। आप अगर अपना सियासी बयानियाँ रखें कि यार हम मतलब कि मईशत इस तरह ठीक करेंगे, जो मशायल हैं उनको इस तरह हल करेंगे, जो एक सियासी जमात करती है वो करनी चाहिए, रखना चाहिए बात।
आगे वो माने ना माने, हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इस तरह की बात तो नहीं करनी चाहिए। इन्होंने भी की, और इससे पहले मेरे ख्याल में वो एक थे राणा सनाउल्ला, शायद उसने कहा जी हद से ज़्यादा इस तरह का कोई बयान रहा था। बल्कि उसने जो ये जिसने बात की ना, उसने ये भी बोला कि मेरा तो मेरा, उसने पंजाबी में बोला है, मेरा तो हज तो उम्र यही है कि मैं लौट जाऊँ। कम से कम इस तरह की बात तो नहीं करनी चाहिए ना, ये तो शरीयत के गलत है। चले थैंक यू सर। सर आप तैयारी कर रहे हैं जन्नत में जाने की? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जन्नत में जाना जाना। नॉर्मली वाली जन्नत कह रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। जन्नत में तो मुसलमान जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी ये तो वही भाई ने जो कहा बिल्कुल जहालत है, और तो कुछ भी नहीं है। आप तैयारी नहीं कर रहे जन्नत में जाने की? ये वाली जन्नत नहीं, इस तरह की जन्नतें और हुरें जो है ना, वो अल्लाह ताला बचाए हमें। क्या पैगाम क्या देंगे इन लोगों को? नहीं पैगाम कुछ भी नहीं है, जिस तरह भाई ने कहा कि ये जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं बस वही लोग जा रहे हैं, बाकी आम लोग तो बिल्कुल उनकी तरफ कोई, जो जितना कुछ आम लोगों के साथ हो गया वो तो बिल्कुल अब सोच भी नहीं रहे। जन्नत जाना है? जन्नत है ओ मैंने पता है, मैं मुझे पता है इस चीज़ का। नहीं जानी जन्नत है तुसी? नहीं नहीं वो जन्नत नहीं है, यार जन्नत है जिसका लाल कमाना। अच्छा तरह से इंज की है तुसी यार जन्नत जाओ थानू की लगेगा? अगर ऐ भी सवाल कर रहे हैं जिहड़ी नून लीग ने जन्नत दसी है, इधर की लगभग जिस तरह वो इंग्लिश में कहते हैं ना, थ्री डब्ल्यू का इतबार नहीं, बस इनका भी वो इतबार नहीं है। वेदर वूमेन वर्कर, इन पर इतबार नहीं है। वेदर वूमेन वर्कर में किसी पर इतबार नहीं है, इनका इतबार नहीं है। कि मैसेज की दोगे इन्हों? मैसेज शर्म इनको आती नहीं, मगर इनके लिए दुआ कीजिए, जिनका शेबा और डुडाई इनसे सार खपाई क्यों कीजिए। वाह भाई ने बड़ा हाल शेर सुनाया। अस्सलाम वालेकुम चाचा, की हाल है? ठीक है ठाक। नवाशी आ रहा है इस्तकबाल करने जा रहे हो? नहीं। क्यों? वो कह रहे जरा इस्तकबाल करेगा वो जन्नत च जाएगा। नहीं असि नहीं जाना, असि इमरान खान दे इंस्टॉल करना। अच्छा जी, वो कह रहा जन्नत लभनी है? इमरान खान जिंदाबाद जिंदाबाद। तुहानू नहीं चाहिए वाली जन्नत? इमरान खान जिंदाबाद, नवाज शरीफ मुर्दाबाद। नून लीग कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगा वो जन्नत में जाएगा, क्या कहोगे इस बारे में? जन्नत में तो वो नहीं जाएगा, वो हर बार तलाक ले लेते हैं, वापस इधर खावन करके वापस आ जाते हैं। अब इसका इस्तकबाल कैसा करेगा? बंदा एक बार तलाक हो जाते हैं, वो तीन बार तलाक ही हो गया, वापस इधर आ रहे हैं, तो अब इसका कैसे इस्तकबाल करेगा? बंदा तो उसका इस्तकबाल करे, कुछ ले के कुछ आ जाए, वो अपना घर बेचता नहीं है, कुछ करता नहीं है, और आ जाएगा वापस पाकिस्तान में, फिर लौट के जाएगा, फिर लूट के वापस जाएगा। हाँ ना करो यार, ठीक है। वो उसकी बेटी कह रही है कि वो मुल्क को रोजगार देगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। नहीं नहीं कुछ जाएगा, जेल से जेल से जेल से जाएगा, जेल से जाएगा। हाँ जी, कुछ भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा। अगर करना होता तो 30 साल हो गया अभी तक, दे देना था। कुछ किया हुआ है नहीं? अब जन्नत में नहीं, आपका जन्नत में जाने का मूड नहीं है? नहीं जन्नत में नहीं जाएगा, उसके पास उसके पास जन्नत में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ऊपर जाएगा, ऊपर जन्नत में जाएगा, डायरेक्ट जाएगा।